नॉर्थ माता की, पपलाज माता की, मीन भगवान की, देवनारायण भगवान की, देवधाम जोधपुरिया की, शिवाड़ ज्योतिर्लिंग महादेव की, डिक्की कल्याणी की, राम राम सा। मेरे साथ बोलिए बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। मेरा जो उत्साह देख रहा उसमें एक मजबूत भारत के लिए आशीर्वाद है, इसलिए हर तरफ यही गूंज है, मेरे द्वार देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है, इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। आपने 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। देश को सबसे मजबूत स्थिति में किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया? माता मैंने बताया किसने पहुंचाया। ये आपकी उदारता है, आपका प्रेम है, आपके आशीर्वाद है कि आप सारी क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है, आपके कारण है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ना, वो जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को पक्का घर मिला है, उसका जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को मुफ्त राशन मिला है, जिस गरीब का चूल्हा चलता रहा है, उसके कारण जो पुण्य मिला है, वो पुण्य के हकदार आप हैं, आपका वोट है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया, तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता? कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते, चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते, कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को वन रैंक वन पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए, वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर एक बना दिया था और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि तो राजस्थान की पहचान है। अरे डूब मरो डूब, ये शोभा नहीं देता।